सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेहर। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके गेहर चैनल में। और आज तारीख है 18 फरवरी और टाइम हो रहा है 9:13 और अभी हम चालू करने जा रहे हैं अपनी रिट्स गाड़ी को। तो कोल्ड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या प्लान है आज का। तो आज हम सिखाने जा रहे हैं अपने हिनाबाजी को कार, देखते हैं कैसे चलाते हैं। उसे 2 दिन से तो सीख रहे हैं, तो आज कैसे चलाते हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं फिलहाल। रेडी? चल, क्लच दबा ले पहले। कुछ भी अलग नहीं करना है, जैसे नॉर्मल चलता है उसी चलाओ। फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन, धीरे धीरे क्लच छोड़, आगे ध्यान दे। वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा एकदम वीडियो बना रहा है। हैंडल लेफ्ट ले लो, लेफ्ट में, लेफ्ट में। अभी एक्सलेटर ज़्यादा नहीं दबाना, खाली हाँ क्लच और ब्रेक पे ही ध्यान दो। फर्स्ट गियर में चलने दे। किधर लेफ्ट जाएंगे आज? ठीक है, लेफ्ट ले लेना आगे से। हल्का हल्का एक्सलेटर देते रहे, मोड़ने के बाद सेकंड गियर डालना। ठीक है, नहीं अब पीछे तो कोई है नहीं, उसे जलाना है जला दे। देख के कोई नहीं आ रहा है, धीरे धीरे हो गया। थोड़ा एक्सीलेटर ज़्यादा दे और उसके बाद सेकंड गियर डाल देना। क्लच पूरा दबा, कांच को थोड़ा बंद कर दे। बस बस हो जाएगा। ट्रैफिक में सेकंड गियर में चलने दे, आगे चल के टॉप गियर डाल देना। टॉप गियर की थर्ड गियर है ना? थर्ड गियर जो भी है ना, इससे बढ़ के गियर डालते जाना। तो कुछ इस तरीके से हिनाबाजी चला रहे हैं, 2 दिन से सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। और अभी फर्स्ट सेकंड गियर चला रहे हैं, वो भी बंद तो बिल्कुल नहीं किए। मेरे ख्याल से फर्स्ट दिन से भी अभी तक गाड़ी एक बार भी बंद नहीं करी। डीजल का ये फायदा है, अगर गाड़ी धीरे धीरे ऐसा रोलिंग ले लेता है ना, तो आप फर्स्ट गियर में डाल के धीरे से क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलेटर को बिना छुए तो गाड़ी कभी आपकी बंद होगी ही नहीं। तो ठीक वैसे ही हिनाबाजी को मैं 2 दिन से सिखा रहा हूँ, आज तीसरा दिन है। फर्स्ट गियर डाल के धीरे धीरे बस क्लच को छोड़ो, गाड़ी अपने आप धुलना चालू हो जाती है। गाड़ी में जब तक लोड ना रहे और आगे अगर इंक्लाइन ना हो तो गाड़ी अपने आप धीरे धीरे ढुल जाती है। तो ये फ़ायदा होता है, बहुत से पेट्रोल गाड़ियों में भी ऐसा होता है। इसको कुछ तो फीचर बोलते हैं ऐसा, जैसा वो क्या, वो कछुआ जब ऐसे धीरे धीरे चलते हैं उसको क्या वॉक बोलते हैं भाजी? क्रॉल वॉक ऐसे कुछ बोलते हैं, उस तरीके से ये होता है। तो फिलहाल अब अपनी गाड़ी चलना चालू हो गई है, तो फिलहाल अभी सेकंड गियर में रखेंगे अपन, फिर अभी थर्ड भी लगा लेंगे। थर्ड लगा लो भाजी, रोड खाली दिख रहा है, आराम से स्टेयरिंग पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। और आप भी ध्यान दें, जब भी सेकंड गियर या थर्ड गियर जब भी गियर चेंज करें, बहुत से लोग जब सीखते रहते हैं तो उनका जो स्टेयरिंग से कंट्रोल थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट हो जाता है, उस चीज़ का जरूर ध्यान दें। स्टेयरिंग को अच्छी तरीके से होल्ड करें और गियर अच्छे से लगा लें। आगे से गाड़ी आ रहा है, थोड़ा लेफ्ट दबा लें। और ये मिरर्स लोग को हमेशा सेट कर लें आप, अपना लेफ्ट और राइट का जो भी है और सेंटर का मिरर अपने हिसाब से सेट करें जब भी आप गाड़ी सीख रहे हैं, तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान दें। और अगर आप लेफ्ट साइड मोड़ रहे हैं तो आप अपने जो है लेफ्ट वाले मिरर में ध्यान देंगे, और राइट साइड आपकी गाड़ी अगर जाने वाली है तो आप जो है अपना राइट साइड का मिरर में ध्यान देंगे, इस बात का भी जरूर ध्यान दें। और मेरे ख्याल से पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो चप्पल पहन के ना चलाएं, जूता पहन लें या तो फिर बिना कुछ के चलाएं तो फायदा है, क्योंकि कई बार जो है चप्पल पहने रहते हैं ना तो आपके उसका जो ब्रेक एक्सीलेटर में जो है फंसने के चांसेस रहते हैं। तो जूता पहन के चलाएं या तो फिर कुछ भी ना पहने पैर में, और सीट वगैरह जो है अपने हिसाब से पहले ही एडजस्ट कर लें। और जब भी गाड़ी सीख रहे हैं तो पहले ही जान लें आपके गाड़ी का इंडिकेटर राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, पास किस तरीके से देना है गाड़ी को, ये सब चीज़ आप पहले ही समझ लें, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करें। तो मैं 2 दिन से हिनाबाजी को सिखा रहा हूँ, बता दिया हूँ इंडिकेटर जो है लेफ्ट राइट का होता है। और देख सकते हैं अभी जैसे गाड़ी हम लोग को लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें लेफ्ट मिरर में किस तरीके से ऐसा होता है। और कभी भी गाड़ी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड नहीं चल रही है तो या ढुल रही है ज़्यादा स्पीड में, तो अपने दोनों पैर को क्लच और ब्रेक पे रख लें, ताकि कभी भी आपको सडन ब्रेक लगाना पड़े तो आप क्लच दबा के धीरे से ब्रेक को लगा सकें। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, और जैसे जैसे मेरे को कुछ कुछ पॉइंट्स पता चलते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा, जिससे आप अगर गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक हिनाबाजी की तरह। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं।
तो जैसा फर्स्ट गियर में अगर आप गाड़ी फर्स्ट गियर में डालने के बाद गाड़ी अगर आपकी धीरे धीरे चल रही है तो उसको क्रॉल वॉक बोलते हैं या क्रॉल मोड जो भी बोलते हैं, तो वैसा अगर फीचर है गाड़ी में तो अच्छी बात है। और जैसा अगर अभी चौक आ गया है सामने में, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इस जगह पे क्या करें, आप पहले से धीरे से एक्सेलेरेटर को छोड़ दें और गाड़ी को एक स्पीड लो होने दें, उसके बाद धीरे से जो है गाड़ी का गियर डाउन कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाने का आदत नहीं है तो फर्स्ट गियर डाल दें, लेकिन अगर गाड़ी धीरे धीरे भी अगर ढुल रही है तो सेकेंड गियर में आप इजिली चला सकते हैं। जब तक गाड़ी ऐसा चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, तब तक आप सेकेंड गियर में उसको इजिली चला सकते हैं। और ज़रूर ध्यान दें अपने राइट में, लेफ्ट में, पीछे किधर से गाड़ी आ रहा है, कैसा आ रहा है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि चौक में जो है सब साइड से गाड़ी आता है, आपके लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी आता है और फ्रंट से भी आता है, सिग्नल भी ध्यान देना है आपको, तो इस चीज़ सब चीज़ का ध्यान दें। वैसे तो बहुत रेयर चांसेस है कि आप फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाएं, लेकिन अगर गाड़ी रोलिंग हो रहा है तो सेकेंड गियर में आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हिनाबाजी सेकेंड गियर डाल दिए थे पहले और धीरे धीरे जो अपन ट्रैफिक को पार कर गए। अब जैसे ही ट्रैफिक पार हुआ वापस से थर्ड गियर लग गया। और गियर जब भी चेंज करें तो क्लच दबाने की आदत बनाए रखें। बहुत से लोग जैसे नया नया सीखते हैं तो क्लच दबाने का आदत नहीं रहता है, तो उनका ध्यान अगर नहीं रहेगा तो बिना क्लच दबाए गियर डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और हॉर्न का जरूर ध्यान दें, जैसे भी आपको ट्रैफिक दिख रहा है हड़बड़ाना नहीं है, हॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। हॉर्न बनाएंगे तो सामने वाला जो है थोड़ा सतर्क हो जाएगा। जैसे साइकिल हो गया, बाइक हो गया, कुछ भी आ रहा है तो आप थोड़ा हॉर्न का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइकिल वाला रोड डिवाइडर क्रॉस कर रहा है तो अपन हॉर्न बजा सकते हैं, उससे वो पीछे देख के रुक सकता है। और ये जैसा कि देख सकते हैं अपने, खासकर इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है, रोडों पर गाय भी रहती है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। वैसे सिटी में चल रहे हैं तो उसे आप कुछ कम चांसेस है कि गाय दौड़ भाग के आए, और अगर जंगल वंगल चल रहे हैं तो बहुत से चांसेस रहते हैं कहीं से भी जो है गाय बैल जो है स्पीड में दौड़ के आ सकते हैं अचानक से, उसके कारण भी बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसीलिए इतना अलर्ट रहें कि गाड़ी अगर सामने कुछ आ जाए तो आप सडन ब्रेकिंग भी करते हैं तो गाड़ी आपकी रुक जाए। खासकर जब सीखते रहते हैं तब अपना ब्रेन जो है इतना फास्ट वर्क नहीं करता है कि अपन सडन ब्रेक लगा पाएँ। जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उसके बाद अपने को सोचना नहीं पड़ता, अपना दिमाग जो है ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है, अपन ब्रेक लगा लेते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान दें, जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप ब्रेक पे अच्छा से कंट्रोल बनाए रखें। और जस्ट आपके पीछे अगर कोई गाड़ी है उसको देखना है तो आप ये मिरर को यूज़ करना। लेफ्ट में अगर टर्न ले रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें, और राइट में टर्न ले रहे हैं तो उस मिरर को जरूर ध्यान दें। बाजी स्पीड ज़्यादा हो रहा है, फोर्थ गियर डाल दो एक्सीलेटर छोड़ के, स्टेयरिंग पर पूरा कंट्रोल, धीरे से फोर्थ गियर और क्लच छोड़ दो। लेकिन स्पीड ज़्यादा मत लेके जाओ, अभी सीख रहे हो, जितना हो सकता है कम स्पीड पे रखो। तो कुछ इस तरीके से अपन गाड़ी चला रहे हैं और 9:13 को निकले थे, 9:29 हो गया, लगभग 17 मिनट से जो है हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, 17 नहीं भी बोलते हैं तो 15 मिनट से तो हम लोग गाड़ी जो है चला रहे हैं, और लगभग 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा चल गया अपना गाड़ी इतने देर में। और अभी हम लोग हैं दुर्ग में, और ये रोड जाता है सीधा नागपुर राजनांदगांव NH 53। तो चलते हैं, अभी हम लोग जो है फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर ट्राई करें कि गाड़ी जो है अपने लेफ्ट साइड में दबा के रखें, जिससे कि कोई लेफ्ट साइड से अपने को ओवरटेक ना कर पाए, नहीं तो उसमें अपने को क्या है, लेफ्ट में भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट में भी ध्यान देना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड दबे रहेंगे तो हर कोई जो है राइट से ओवरटेक करेगा, तो सिर्फ अपने को राइट में ही ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड कम हो रहा है, गियर डाउन कर लो बाजी, एक्सीलेटर छोड़ दो, क्लच दबाओ, स्टीयरिंग पे कंट्रोल रखना, बस। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये सामने से ये गाड़ी आ रहा है, इस टाइम पे जो है अपने को पास मारना है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको आदत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि सामने से कोई गाड़ी आ रहा है तो पास मारने का आप आदत बना लें। और डिपेंड करता है आपकी गाड़ी में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में पास मारने का, ज़्यादातर फॉक्स वगैरह स्कॉडर की गाड़ियों में लेफ्ट साइड में देता है, शेवरलेट की गाड़ियों में जो है लेफ्ट साइड देता है ये वाला फीचर। और अभी हम लोग रिवर के ऊपर चल रहे हैं, तो दोस्तों अभी 4:14 हो रहा है और आज 19 तारीख है, तो उस दिन तो अच्छा खासा हम लोग चला के आ गए, आज अगले दिन है और आज थोड़ा हम लोग जो है शाम के टाइम निकले हैं चलाने के लिए। और एक सरप्राइज़ है, आज भी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी बुक करने के लिए एक ठोक हिनाबाजी के लिए, तो कौन सा गाड़ी रहेगा वो आप नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वो देखने के लिए वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। इंस्टाग्राम हैंडल शो रहेगा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और होप करते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है गाड़ी का डिलीवरी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बाय बाय, सी यू।